अस्सलामु अलैकुम आदाब नाजरीन। नाजरीन आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है भारत एकता न्यूज़ चैनल में। नाजरीन किराम आपको बता दें कि शिहाब भाई जो केरल से पैदल हज के लिए निकले हैं वो पंजाब पहुंच चुके हैं और उनको 96 दिन हो चुके हैं। आप जो स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि शाही इमाम पंजाब से मुलाकात करते हुए शिहाब भाई। इस मौके पर शिहाब भाई के लिए मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी जो शाही इमाम है पंजाब के, उन्होंने बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब वालों तैयार हो जाओ शिहाब भाई के इस्तकबाल के लिए। नाज़रीन किराम आपको बता दें कि जब शुरू में शिहाब भाई केरल से निकले थे पैदल हज के लिए, उन पर तरह तरह की बातें रंगलियाँ उठी थी। उसी पर बात करते हुए शाही इमाम पंजाब ने दो टूक कहा था कि जो लोग पैदल घर से मस्जिद के लिए नहीं जा सकते उनको शिहाब भाई के पैदल हज जाने पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। नाज़रीन किराम आप ये वीडियो पूरा देखिएगा कि क्या क्या बातें हुई हैं शिहाब भाई और शाही इमाम पंजाब के बीच, और आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, वीडियो पूरा देखिएगा। और हमारे लायक कोई खिदमत वहां से साथ में कोई नहीं है? साथ में कुछ लोग आए हैं, हम लोग सब पंजाब साथ में है, ये भी साथ में है, केरला से गुजरात राजस्थान के आप जब शुरू किए थे चलना तो उसके ऊपर मैंने एक क्लिप रखा था, जब वीडियो क्लिप था तो जो मेरे को ध्यान था, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि जायज है या नहीं है जायज, तो हमने उसमें कहा था कि जो लोग मस्जिद तक पैदल नहीं जाते तो वो ना पूछे जायज है या नहीं। हाँ ये तो फिर खासकर जो कि यूपी में जो पंजाब के साथ हरियाणा यूपी लगता है तो वहाँ जो करोड़ों मुसलमान हैं, तो उस क्लिप के बाद उनको मतलब तसल्ली खुशी भी हुई, खुशी भी, बैकअप भी बहुत अच्छा आया है, तो माशाल्लाह ये तो अच्छी बात है, ये स्प्रिट की बात है इससे।